फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम करेंगे पावर मिल 2020 के अंदर तीन ऑपरेशन करना चाहते हैं। एक तो हम रफिंग कैसे करना है, उसके लिए हमने एक ऑपरेशन किया मॉडल एरिया क्लियरेंस। सेकंड ऑपरेशन हमने किया मॉडल प्रोफाइल, जिसमें हमारे को प्रोफाइल बनानी है। और तीसरा हमने ऑपरेशन किया ऑफसेट, फ्लैट ऑफसेट। तो इसमें क्या होता है कि हमारे को जो फ्लैट सरफेस है, ये देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक हमने किया मॉडल एरिया क्लियरेंस, एक मॉडल प्रोफाइल और तीसरा हमने फिनिशिंग में किया ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। तो तीनों ऑपरेशन में हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि इन ऑपरेशन को आपने कैसे यूज़ करना है। तो अगर वीडियो देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि वीडियो को आप साथ में फ़ोन पे या कहीं और चला लें और साथ साथ पावर मिल ऑन कर लें, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे यहाँ पर करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ऑफसेट एरिया क्लियरेंस और ऑफसेट फ्लैट एरिया कैसे, फ्लैट फिनिशिंग कैसे चलाना है, ठीक है। तो कैम सॉल्यूशन लुधियाना का चैनल है हमारा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा 47 ट्यूटोरियल, 46 ट्यूटोरियल हम ऑलरेडी पावर मिल के बना चुके हैं और 42 ट्यूटोरियल हम मास्टर कैम के भी बना चुके हैं। तो अगर आपको मास्टर कैम सीखना है, पावर मिल सीखना है, एनएक्स सीखना है या कोई जो भी सॉफ्टवेयर आप उसको सीखना चाहते हो, ठीक है, तो तकरीबन सभी ऑटोकैड के भी बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, पावर मिल के भी बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, मास्टर कैम के भी बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एनएक्स के भी हैं, इवन सॉलिड वर्क्स के अंदर मशीनिंग के सॉफ्ट ट्यूटोरियल्स भी हैं। तो आपको जो चीज़ भी सीखनी है वो आपको तकरीबन यहाँ पे मिल जाएगी। हमारे 500 से ऊपर, तकरीबन 550 के करीब ट्यूटोरियल हो चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम नई वीडियो डालते हैं। तो इसको शुरू से शुरू करते हैं। इस फाइल को सबसे पहले सेव कर लेता हूँ मैं। तो अगर आपको ये फाइल चाहिए होगी ना मॉडल प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, तो मैं आपको बाकी के भी प्रोजेक्ट भेज सकता हूँ और ये प्रोजेक्ट भी भेज सकता हूँ, ठीक है। तो इसको प्रोजेक्ट नंबर 2 नाम रख लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर आपको ये फाइल चाहिए होगी तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर दो या मैसेज कर दो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी पे भी मेरे को कॉल कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं क्लोज, शुरू से बनाएंगे। ये देखो पावर शेप में मैंने ये मॉडल बना रखा है, ठीक है। तो हमने तीनों अलग अलग बना रखे हैं ताकि ईजिली हमारे को डिफरेंस समझ में आ जाए, नहीं तो एक ऑपरेशन नज़र आता है दूसरा ऑपरेशन नज़र नहीं आता। तो इन तीनों को मैं कर लेता हूँ कॉपी कंट्रोल सी से और पावर मिल में आ जाता हूँ और यहाँ पे मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट एज ए न्यू मॉडल कर लेते हैं, ठीक है। जेड मेरी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक पड़ी हुई है, जेड की डायरेक्शन ऊपर को ही होनी चाहिए। तो तीनों ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गए और हम ब्लॉक बना लेते हैं, एक कॉमन ब्लॉक बना लेते हैं। वैसे हम तीनों का अलग अलग ब्लॉक भी बना सकते हैं बट तीनों का हमने कॉमन ब्लॉक बना लिया, तो हम बाउंड्री से इनको अलग अलग कर लेंगे जब हमारे को टूल पाथ बनाना होगा। अगर आपने बाउंड्री वाला टूल ट्यूटोरियल नहीं देखा तो बाउंड्री वाला ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बाउंड्री वाला ट्यूटोरियल देख लोगे तो वो ईजिली समझ में आ जाएगा कि आपको पावर मिल का ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है देखो यहाँ पे, ठीक है। इन सब में बाउंड्री लगी है, इसमें भी बाउंड्री लगी है, इसमें भी बाउंड्री लगी है, ठीक है, इसमें भी बाउंड्री लगी है, ठीक है। तो आपको बाउंड्री वाला ऑपरेशन देख लेंगे तो ईजिली समझ, इसमें भी बाउंड्री लगी है। तो जो भी आपको चीज़ समझ आनी है, तो अगर स्टेप बाय स्टेप सारे ट्यूटोरियल देखेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं अपना मॉडल एरिया क्लियरेंस। तो सबसे पहले हम जाएंगे 3D एरिया के अंदर, मॉडल एरिया क्लियरेंस। तो हम पहले वाले ऑपरेशन में मॉडल एरिया क्लियरेंस चलाएंगे, दूसरे में हम साइड वॉल वाला और तीसरे में हम फ्लैट सरफेस को फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। तो लाइक का बटन दबा देना है अगर वीडियो पसंद आए आपको, तो लाइक जरूर दबा देना है, मोटिवेशन मिलता है हमारे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कि हाँ कुछ लोगों को पसंद आ रही है हमारी वीडियो। अगर जो भी चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मैं उस चीज़ का अलग से ट्यूटोरियल बना के आपको दे दूँगा। तो इसमें देखो यहाँ पे हमने एक थिकनेस ज़रूर देनी है क्योंकि हमारे को वॉल्स में भी फिनिशिंग चाहिए और फ्लोर पे भी फिनिशिंग चाहिए। तो फिनिशिंग के लिए मटेरियल ज़रूर छोड़ना है। मॉडल एरिया क्लियरेंस के भी हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल बना रखे हैं, तो उसमें जाके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें करनी है। इसमें हमारे को एक चीज़ और देनी है, वो है टूल।
टूल हम दे देते हैं हमारे को, जैसे मान लो मुझे 12 mm के टूल से रफिंग करनी है, तो 12 mm का एंड मिल हमने ले लिया। लिमिट लगानी हमारे को इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास 3 कंपोनेंट है, तो प्रोफाइल बना लेते हैं और यहाँ पे हम कंपोजिट कर्व कर लेते हैं, और ये कर्व को हम फास्ट फॉरवर्ड में नहीं बैक करेंगे, तो हम एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसको हम सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ बाउंड्री, ठीक है, तो बाउंड्री बहुत ध्यान से बनानी है। इसको फिनिश करेंगे, ओके करेंगे, तो ये बाउंड्री मेरी सिलेक्ट हो गई, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर दो। तो ये कीप इनसाइड होना चाहिए, यानी जो टू ऑपरेशन हो वो इस बाउंड्री के बीच बीच में हो। हम ये वाली बाउंड्री भी ले सकते थे, तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर हम कहाँ चलाना चाहते हैं। उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट दबाऊंगा, तो हमने हमारा जो ऑपरेशन है रफिंग का हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत इजीली ये हमारा ऑपरेशन हो गया। अगर आप इसको चला के देखना चाहते हो तो सिमुलेशन में जाके हम यहाँ पे चला के भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से हम इसको फिक्स ज्योमेट्री करके स्टार्टिंग से चला के देख सकते हैं, ठीक है। स्पीड थोड़ी तेज कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। सबसे बढ़िया अच्छा तरीका यही होगा कि आप भी वीडियो बनाओ, साथ साथ मॉडल बनाओ और उसकी मशीनिंग करके देखो, जैसे जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमने एक एक मटेरियल छोड़ा हुआ है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी मटेरियल बच गया, यहाँ पे भी मटेरियल बच गया, यहाँ पे भी मटेरियल बच गया, ठीक है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, इस चीज़ का सोल्यूशन मैं अलग ऑपरेशन में करके दिखाता हूँ, इसमें नहीं दिखाता, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो किसी को भी। तो हम वापस यहाँ आते हैं, अब हम जाएंगे फिर से नेक्स्ट टूल पाथ, और यहाँ पे लेंगे मॉडल प्रोफाइल, ठीक है। मॉडल एरिया क्लियरेंस लिया, मॉडल प्रोफाइल लिया, ओके करेंगे। तो अब ये जो चलेगा ये बाउंड्री बाउंड्री पे ही चलेगा, हमारे को जो सरफेसेस वॉल्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हम मॉडल प्रोफाइल चलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे को कुछ नहीं करना, बट इसमें स्टॉक को ठीक करना है। स्टॉक हमारे को वॉल्स में बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि एक ही मटेरियल बचा था, और बट हमारे को फ्लोर में चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्लोर के लिए हम अलग से ऑपरेशन चलाएंगे, तो मटेरियल बचाना जरूरी है। तो इसकी लिमिट मुझे ठीक करनी पड़ेगी। अब लिमिट ये पुरानी वाली उठा रहा है, देखो 1 नंबर, हमें पुरानी वाली नहीं उठानी, हमें एक नई प्रोफाइल बनाएंगे। और यहाँ पे भी देखो कॉम्पोजिट कर्व की ऑप्शन होती है, कर्व सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारे को रिक्वायर्ड है, ठीक है, फिनिश करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कर्व बनाई वैसे आप भी बना लो, पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये दोनों सेलेक्ट हो गई है ना। देखो मैं एक बार चला के दिखाता हूँ आपको, पर मेरे को टूल चेंज करना है। टूल में थोड़ा छोटा टूल ले रहा हूँ, ये 5 का रेडियस लगा हुआ है कॉर्नर पे, तो इसलिए 5 का टूल ले लेता हूँ और कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो ये देखो इसको 2 बाउंड्रियाँ मिल गई, ठीक है। तो हमारे को दोनों बाउंड्रियों में नहीं चलाना, हमारे को सिंगल बाउंड्री में चलाना है। अब चलो चला भी सकते हैं दोनों में, तो ईजिली समझ में आ जाता है, देखो, ठीक है। तो इसमें भी कटिंग हो गई, इसमें भी कटिंग हो गई। अगर आपको एक में ही चलाना है, अगर आप फर्स्ट वाले में चलाना है, तो लिमिट में जाके इसको एडिट करो, यस, और इसमें से एक जो है डिलीट कर दो, ठीक है। तो जो बाउंड्री अवेलेबल होगी प्रोग्राम जो है उसी में चलेगा, ठीक है। आगे मैं आपको तीनों का इकट्ठे एनसी प्रोग्राम कैसे बनाना है वो भी सिखाऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तभी बात समझ में आएगी कि एग्जैक्टली हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 ऑपरेशन हो गए, ये एक ऑपरेशन हो गया, इसको सेटिंग में जाके रीजनरेट कर देता हूँ क्योंकि हमने उस बाउंड्री डिलीट की है ना। तो इसकी सेटिंग में जाके कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे भी 2 बाउंड, जैसे उसमें 2 प्रोफाइल मिल गई थी उसको, वैसे ही यहाँ पे भी 2 प्रोफाइल मिल गई, तो ये दोनों में कटिंग कर देगा। तो अगर आपको जिसकी नहीं चाहिए प्रोफाइल, उसकी प्रोफाइल में से कर्व डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये आपको बाउंड्री का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से ऑपरेशन में चाहिए तो कौन से ऑपरेशन में नहीं चाहिए। तो देखो ये 2 ऑपरेशन हमारे हो गए। तीसरा ऑपरेशन जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है
वो है फिनिशिंग का ऑपरेशन, ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। ये सिर्फ सरफेसेस जहाँ पे फ्लैट होती हैं वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है? ओके करेंगे। हमारे पास विंडो जब तक आ रही है तब तक आप लाइक का बटन दबा दो। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहा पावर मिल के अंदर या पावर शेप के अंदर या मास्टर कैम के अंदर, तो आप मेरे को कमेंट करके या व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे लिंक भी भेज सकते हैं, ठीक है? अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब मेरे को फिनिशिंग में ज़ीरो चाहिए, टूल मेरा ऑलरेडी ठीक है, टूल नंबर हम दो नंबर कर देते हैं, मुझे 5 नंबर डाई के, क्योंकि जो रेडियस है 5 का है, ठीक है? तो मिनिमम रेडियस के हिसाब से कैलकुलेट करना है जस्ट, आपको और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, स्टॉक का ध्यान रखना है। तो ये देखो, ये फर्स्ट वाली बाउंड्री में हो गया, क्योंकि हमने इसमें बाउंड्री सेलेक्ट की। तो यहाँ से जाओ लिमिट के अंदर और यहाँ से क्रिएट कर लेंगे हम एक और बाउंड्री। तो जो जो हम सेलेक्ट करते जाएंगे वो बाउंड्री मेरी बन जाएगी, ठीक है? और इधर वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके कैलकुलेट। ठीक है, तो ये तीनों ऑपरेशन हमारे हो गए हैं। पहले ऑपरेशन में हमने किया रफिंग, ठीक है? सेकेंड ऑपरेशन में हमने किया वॉल्स के ऊपर और थर्ड ऑपरेशन में हमने किया सरफेस के ऊपर, ठीक है? तो इन तीनों ऑपरेशनों को आपको चला के देखना है। अब कई लोग मेरे से